नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में अपनी विशेष पहचान रखने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जीवन व साहित्यिक परिचय। तो आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके जीवन परिचय की अगर बात करें तो इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था, जो कि कहाँ है, सागर जिले में और मध्य प्रदेश में है। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या है? श्री लक्ष्मी प्रसाद। इनके जो पिता हैं ये उप जिला अधिकारी थे। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। बचपन में इनको अभिनेता बनने का शौक था, यही कारण है कि वो आरंभ से ही रंगमंच से जुड़े रहे। हिंदी साहित्य में ये कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, एकांकीकार और आलोचक के रूप में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। इन्हें एकांकी का जनक भी कहा जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि एकांकी का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी का जनक भी कहा जाता है। इनके कृतित्व के लिए इनको जो पुरस्कार मिले थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति पुरस्कार प्राप्त हुआ और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई, यानी पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। 1990 ईस्वी में इन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, यानी इनका देहांत कब हुआ? 1990 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। और कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में। तो ये इनके जीवन के बारे में है। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो काव्य के क्षेत्र में देखें तो इनकी प्रमुख कविता है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, हिंदी गीति काव्य, चित्रलेखा, जोहर। इसके साथ साथ अगर देखें तो आधुनिक हिंदी काव्य, ये सब इनकी कविता के क्षेत्र में जो इनका योगदान है। उसके बाद एकांकी संग्रह की अगर बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चार ऐतिहासिक एकांकियों की रचना इन्होंने की, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, रजत रश्मि और इंद्रधनुष इनकी प्रमुख एकांकियां हैं या एकांकी संग्रह हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, मैंने पीछे आदि शब्द का प्रयोग किया है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण एकांकियों के बारे में या उनके संग्रह के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। आप इससे ज़्यादा भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जितना आपको याद हो वो ठीक याद रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े नाम डालने का प्रयास किया है। उसके बाद नाटक की अगर बात करें तो इनका जो नाटक है, शिवाजी, चारुमित्रा, तैमूर की हार, नाना फडणवीस, अशोक का शोक, कला और कृपाण, महाराणा प्रताप और पृथ्वी का स्वर्ग, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त प्राक्रमांक भी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। विजय पर्व भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आलोचना साहित्य की अगर बात करें तो इनके जो प्रमुख आलोचना साहित्य है उसमें साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। ये वो कृतियां हैं जो प्रमुख रूप से मैंने यहाँ पर शामिल इसलिए किए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो आप इनको याद करें जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इनकी ये जो सभी रचनाएँ हैं हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। अब जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी साहित्य की विशेषताएं। देखिए, इनके एकांकी साहित्य में मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो जो सबसे पहली यहाँ पर विशेषता है, मानवीय भावनाओं का चित्रण। इन्होंने अपनी एकांकियों के माध्यम से जो मानव के मन के भाव है उनको उजागर करने का प्रयास किया है। आपके सिलेबस में जो औरंगजेब की आखिरी रात है वो इसका विशेष उदाहरण हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी तो औरंगजेब पूरी रात भर पश्चाताप करता है। उसके जो भाव हैं, उसने में जो पश्चाताप का भाव है, जो दुख का भाव है, जो एकाकीपन का जो भाव है, वो यहाँ पर स्पष्ट हुआ है। तो इन्होंने अपने जो पात्र लिए हैं या जिन एकांकियों में जिन चरित्रों का इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वहाँ पर उनके मानवीय भावों से ओतप्रोत पात्रों का चयन ये दिखाता है कि उन्होंने मानवीय भावों का चित्रण कितनी कुशलता के साथ किया है। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं, भारतीय संस्कृति का उद्घाटन। देखिए, वर्मा जी की जो एकांकियां हैं वो भारतीय संस्कृति का उद्घाटन करती हैं। इनकी एकांकियों की जो पृष्ठभूमि है ये भारतीय संस्कृति पर आधारित है।
इसमें जो भारतवासियों वासियों का उच्च आदर्श का जो भाव है, जो नैतिक मूल्य हैं, जो प्यार प्रेम स्नेह या वसुदेव कुटुम्बकम का जो भाव है वो यहाँ पर स्पष्ट झलकता हुआ प्रतीत होता है। तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे कि भारतीय संस्कृति का उद्घाटन किस प्रकार से इन्होंने अपनी एकांकियों में किया है। तीसरा हम पॉइंट बना सकते हैं मनोवैज्ञानिकता का समावेश। इनकी जो एकांकियां हैं ये कोई कल्पना पर आधारित नहीं है या केवल इन्होंने बैठकर ही इन एकांकियों की रचना नहीं कर दी, बल्कि मानव मन को मनोविज्ञान के कसौटी पर इन्होंने कसा है। और मनोवैज्ञानिकता का समावेश करने का इनका मूल उद्देश्य क्या है? पात्रों के चरित्रों को सूक्ष्मता से उभारना, क्योंकि पात्र के अगर मन को ये जानते हैं तो उसके माध्यम से ये अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी जो रचनाकार होता है बिना उद्देश्य के किसी भी रचना को नहीं लिखता या किसी भी रचना को ये चित्रित नहीं करते। तो यहाँ पर इनका जो एक मुख्य उद्देश्य है उसमें है पात्रों के चरित्र को उभारने का प्रयास, जिसमें कि मनोवैज्ञानिकता का प्रयोग इन्होंने बखूबी किया है। इसी कारण इनके जो एकांकियों के पात्र हैं वो अपने आप में स्वतः पूर्ण नजर आते हैं, और जिस उद्देश्य को लेकर उस पात्र की रचना इन्होंने अपनी एकांकी में की है वो उद्देश्य पूर्ति में भी पूर्णतः सक्षम है। चौथा पॉइंट यहाँ पर हम बना सकते हैं चारित्रिक द्वंद्व की प्रधानता। देखिए, जिन चरित्रों को उद्घाटित करना चाहते हैं उनके जो उनका जो मानसिक द्वंद्व है वो यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित किया है। औरंगजेब को आप देख लीजिए, औरंगजेब अपने जीवन भर किए गए क्रूरतापूर्ण जो उसके कार्य हैं उसके बाद भी जीवन की जो आखिरी रात है उसमें उसके माध्यम से जो मानवीय पहलुओं को उद्घाटित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। क्योंकि जो औरंगजेब है वो अपने अंतिम समय में पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और अपनी बेटी के सामने अपना पश्चाताप अभिव्यक्त कर रहा है। उसे वो सब बातें ध्यान आती है कि उसने कैसे अपने सगे संबंधियों के साथ बुरा व्यवहार किया, और अब जब वो मृत्यु सैया पर है तो कोई भी उसके पास मौजूद नहीं है सिवाय उसकी पुत्री के। तो यहाँ पर जो चरित्र का द्वंद्व है, जो उसकी मानसिक लड़ाई है या जो उसके व्यक्तित्व के स्वभाव के विपरीत जो उसकी विचारधारा आ रही है, क्योंकि जो औरंगजेब है वो तो क्रूरता से भरा हुआ राजा है, उसमें तो उसका जो व्यवहार है वो तो कैसा है, क्रूर पूर्ण व्यवहार है, लेकिन अब उसमें द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, किसका, विचारों का, क्योंकि अब उसे बीती हुई बातें बीती हुई घटनाएं क्रमबद्ध याद आ रही हैं कि उसने अपने जीवन को किस प्रकार से गवा दिया आक्रोश की अग्नि में जलाते हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रामकुमार वर्मा जी के एकांकियों में जो पात्र हैं उसमें चारित्रिक द्वंद्व को बखूबी दर्शाया गया है। उसके बाद पांचवा हम पॉइंट बना सकते हैं ऐतिहासिकता का चित्रण। जो भारतीय इतिहास रहा है स्वर्णिम इतिहास, उस इतिहास को इन्होंने अपने एकांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भारत का अतीत का चयन करते हुए इन्होंने ऐसी मर्मस्पर्शी घटनाओं का चयन किया है जो कि पाठक या दर्शक के हृदय को छू जाती है, और इसके लिए इन्होंने जो संकलनत्रय किया है वो पूर्ण रूप से उपयुक्त है। संकलनत्रय से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, देखिए जो एकांकी साहित्य है या एकांकी की रचना है उसमें संकलनत्रय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें तीन चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक तो कथा वस्तु, यानी जो कहानी का मुख्य मूल है कथा वस्तु, दूसरा काल कौन सा है और तीसरा स्थान कौन सा है। इन तीनों चीजों का जब समावेश हो जाता है तो एक सफल एकांकी की रचना होती है। कथा वस्तु किसको कौन सी आधार बनाकर ली गई है, वो ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है या किसी पात्र विशेष पर आधारित है, और उसके बाद किस काल की है और कौन से स्थान पर वो घटना घटित हुई है। जब इन तीनों का समावेश हो जाता है तो एक सफल एकांकी की रचना मानी जाती है। तो इन्होंने भी अपने एकांकियों के माध्यम से, चाहे वो ऐतिहासिकता का चित्रण किया है, मानवीय भावनाओं का चित्रण किया है या भारतीय संस्कृति का उद्घाटन किया है, उसमें जो संकलनत्रय इन्होंने किया है ये एक सफल एकांकी की पहचान इन्होंने रखी है या इसी कसौटी पर उन्होंने अपनी एकांकियों को कसा है। उसके बाद छठा पॉइंट हम बना सकते हैं संवाद योजना। देखिए, संवाद ऐसे होने चाहिए जो पाठक या दर्शक पर प्रभाव छोड़े। इनके जो संवाद हैं वो भी संवाद योजना की सभी विशेषताओं की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इन्होंने संक्षिप्ततापूर्ण, स्वाभाविक, भावों से ओतप्रोत,
रोचक संवादों का प्रयोग अपनी एकांकियों में किया है। कहीं पर भी इनके संवाद लंबे और उबाऊ नहीं है, बल्कि छोटे संवाद है जो कि उस पात्र के मनोभावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। उसके बाद यहाँ पर आप पॉइंट बना सकते हैं भाषा शैली। देखिए, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इनकी भाषा सहज सरल, पात्रों और मनोभावों के अनुकूल है। इसके साथ साथ देखें, क्योंकि आधुनिक काल के रचनाकार हैं तो इनकी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ अगर गुण की बात करें तो प्रमुखतः प्रसाद गुण का इन्होंने प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तो दृश्य बिंब देखा जा सकता है। शब्द शक्तियों की दृष्टि से अगर देखें तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। उपयुक्त स्थान के स्थान जहाँ भी इनको मिला वहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरों का भी स्वाभाविक प्रयोग इन्होंने किया है अपनी एकांकियों में। इसके साथ साथ जो शैली है, मुख्यतः इन्होंने संवादात्मक शैली या संवाद शैली तथा वर्णात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर किया है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है या संवादात्मक शैली का। अगर हम औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी को भी आधार बनाएं तो वो संवाद किससे कर रहा है? औरंगजेब खुद से ही बोल रहा है या अपनी बेटी के साथ बोल रहा है? बाकी वो अपने जीवन की बीती हुई घटनाओं का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पर संवादात्मक या वर्णात्मक शैली मुख्यतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो जो संकलंत्र है इसको एक अलग पॉइंट बना सकते हैं, और भाषा और शैली में जो आप पॉइंट बनाएंगे, इसमें एक पॉइंट आपने भाषा को बनाया, आप स्टेंजा चेंज करें और शैली के बारे में बताएं। उसके बाद आप फिर से पहरा बदल दें, वहाँ पर आप बिंब के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर गुण का भी पॉइंट बना सकते हैं, जो भाषा शैली में ही सब पॉइंट के तौर पर आप दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि प्रश्न लिखने में आप कितना समय व्यतीत करते हो और कितना बड़ा आप प्रश्न लिख सकते हो। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि प्रश्न के अंत में निष्कर्ष ज़रूर लिखें, जो कि सिद्ध करता है कि आपका प्रश्न पूर्ण हुआ। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप एक अच्छा प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।